हेलो एवरीवन। तो आइए आज हम बात करते हैं एक्सरसाइज 5.6 का। इससे पहले की सारी वीडियो मैंने अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो प्लीज वहां पे जाइए प्लेलिस्ट में, वहां पे वीडियो मिलेगा क्लास 12th में, तो उस पे भैया पीछे का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करके आइए, तभी एक क्वेश्चन हो पाएंगे। तो ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और ऐसे ही हम आपके लिए वीडियो लेते आएंगे पूरे, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे मैथ हो, तीनों का हम वीडियो आपको क्या करते रहेंगे, प्रोवाइड ऐसे ही करते रहेंगे। बस आप लोगों का सपोर्ट और प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 5.6 की तरफ बढ़ते हैं। 5.6 की तरफ, 5.6 में आते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्या है भाई, देखते हैं। तो क्या है, इफ एक्स एंड वाई, पहला क्वेश्चन, इफ एक्स एंड वाई आर द कनेक्टेड, इतना दिस इज दिस, क्या हमें बताना है, डीवाई बाई डीएक्स हमें बताना है, डीवाई बाई डीएक्स हमें बताना है। तो एक बार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, आगे आई फर्स्ट और सेकेंड। तो मैं एक बार चेक कर लूं कि कौन सा पेन चल रहा है। अच्छा, मैं ठीक है, कलर थोड़ा चेक कर लेता हूं कैमरे में कौन सा कलर दिखाई दे रहा है। क्लास 12th, और एक व्हाइट लेके चेक कर लेता हूं, और एक रेड। मैथ एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.3, और एक रेड ले लेता हूं। रेड तो इस पर चलेगा ही नहीं, बस ये तीन कलर चेक कर लेते हैं कौन सा चल रहा है अच्छा सा। ठीक है, चलिए भाई, तीनों ही कलर अच्छा दिख रहा है वीडियो में, तो आइए हम आगे बढ़ाते हैं अपने सारी चीजों को। चलिए भाई, मैं इस पेन को प्रेफर करता हूं। चलिए व्हाइट ले लेता हूं, व्हाइट आते हैं। x इक्वल टू में क्या है, 2a प्लस t, और y इक्वल टू में दिस। मैं दोबारा क्वेश्चन लिखता हूं, क्या है, x इक्वल टू में 2at का स्क्वायर, और दूसरा भी यहां पे मैं लिख देता हूं, क्या है, y इक्वल टू में at की पावर 4। इस x का मुझे डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, t का फंक्शन चला रहा है। तो x का डेरिवेटिव करना हमें t के रिस्पेक्ट में, हमें क्या फाइंड करना था, dy by dx हमें क्या करना था क्वेश्चन में फाइंड करना था, पीछे ये रहा हमारे यहाँ पे, ये रहा, हमें क्या फाइंड करना था, dy by dx फाइंड करना था, तो dy by dx बताना है। तो dx अपॉन में dt का निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा, 2a, और इसका क्या हो जाएगा, 2t भाई, 2a तो कांस्टेंट हो गया, दिख दिया 2 कहा जाता है आगे, और एक और क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो ये आगे हमारा dx अपॉन में dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 4a और t आ गया, ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर ए। अब सेम इसका करता हूं, dy by किसका, t के रिस्पेक्ट में, t, a तो हमारा कांस्टेंट है, और एक पावर कहां जाएगा, आगे, और एक पावर क्या हो जाएगा, कम। तो इसको ढंग से अच्छे से लिख दिया जाए, तो dy डी टी इक्वल में क्या हो जाएगा, 4at की पावर क्यूब, ये हमारा आ गया क्या, दूसरा। अब देखो भाई, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड आ गया, हमें क्या चाहिए, dy by dx, यानी इसको ऊपर रखना, इसको कहां रख देते हैं, नीचे, दोनों क्या कर दूं, डिवाइड कर दिया जाए। तो देखिए मैं क्या करता हूं, dy by dt रखता हूं, डिवाइड बाई इस फंक्शन को कर देता हूं, dx अपॉन में dt कर देता हूं। चलिए भाई, इसको ऊपर और इसको नीचे डिवाइड कर देता हूं, तो क्या था ये, 4at का पावर क्यूब, और क्या हो जाएगा, 4at, तो dt से dt क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, रेसिप्रोकल होगा, dt नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा, dy by dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, a से a गया, 4 से 4 गया, इससे a गया, क्या हो जाएगा, t स्क्वायर, यानी आंसर क्या आ गया हमारा, t का स्क्वायर, ये आ गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए थोड़ा ये पेन चलाते हैं, चलिए आइए देखते हैं क्या है भाई। सेम वही कहानी लो, दोनों को रखो एक साथ, क्या है, x इक्वल टू में क्या है, a cos थीटा है, और यहां पे y इक्वल टू में क्या है, b cos थीटा है। इसको करता हूं डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में करें, आप बताइए, यहां पे क्या है, फंक्शन थीटा है, तो थीटा के रिस्पेक्ट में, तो डी थीटा इक्वल टू, ए तो कॉन्स्टेंट है, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये बन गया हमारा पहला। ठीक है, अब दूसरा, तो क्या हो जाएगा, डी वाई वाई डी थीटा इक्वल टू में बी का बी, कॉस का क्या होता है, माइनस का साइन थीटा होता है, ये हमारा आ गया दूसरा इक्वेशन। अब दोनों क्या कर दिया जाए, डिवाइड, यानी डी वाई वाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स अपॉन में
डी थीटा। अब मैं इसको बार बार डिवाइड नहीं करूंगा, बस समझ जाएगा नीचे से नीचे क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। मैं डायरेक्ट देखूंगा डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या था यहाँ पे, उसको ऊपर रखना है वाई वाले टर्म को, बी माइनस थीटा, और ये क्या है माइनस का ए साइन थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा, ए से ए, यानी डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ जाएगा, बी बाई ए हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, तो चलिए भाई ऐसे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपने थर्ड की तरफ। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन नंबर थर्ड, सीधा लाइन खींच दो क्या, ये लीजिए भाई आप लोगों के लिए सीधी लाइन खींच देता हूं, टन 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 टारा, हो गया भाई कलर कर दिया जाए, लीजिए कलर कर देते हैं। ठीक है, चलिए भाई ये कलर कर देते हैं। आइए भाई क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ पढ़ते हैं, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि x इक्वल टू में क्या है साइन t और y इक्वल टू में क्या है cos 2t, इसका करता हूं dx अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, तो साइन t का क्या होता है डेरिवेटिव cos t, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम ऐसे इसका करता हूं तो क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी टी इक्वल टू में कॉस का क्या होता है माइनस का साइन टू और t का t इंटू में टू टी का क्या हो जाएगा टू, अब दोनों को क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए, तो क्या करता हूं dy वाई बाई डी एक्स निकालता हूं, इन दोनों को डिवाइड करूं dt से dt क्या हो जाएगा कट जाएगा, ये वाला ऊपर लेना है क्या है माइनस का साइन टू टी इंटू में टू अपॉन में क्या है cos t। ठीक है भाई, बस इसको सर अच्छे से लिख लेता हूं, तो dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का ये क्या है टू, और इसको क्या लिख सकता हूं फॉर्मूला हो गया साइन टू थीटा का क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो थीटा यहाँ पे टी था कॉस टी कॉस टी, तो कॉस टी से कॉस टी क्या हो जाएगा कैंसल आउट क्या आ जाएगा माइनस का फोर, और ये क्या आ गया साइन टी, और ये क्या आ गया डी वाई बाई डी एक्स, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, चलिए भाई डी वाई बाई डी एक्स हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। अब आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर भाई फोर, चलिए अब इसको लिखते हैं भाई, तो पहले मैं टर्म लिख देता हूं क्या था x इक्वल टू में क्या था भाई फोर टी था, और यहां पे क्या था y इक्वल टू में फोर बाई टी है, तो चलिए भाई इसका डेरिवेटिव करता हूं किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, तो फोर टी का क्या हो जाएगा सिंपल फोर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका करता हूं तो dy वाई बाई डी टी इक्वल टू में फोर तो कॉन्स्टेंट और वन बाई यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन है ना, तो वन बाई टी क्या होता है लॉग, नहीं वन बाई टी क्या होता है भाई वन बाई टी का डेरिवेटिव क्या बताया था कि जो पावर है उसका पावर माइनस के साथ लिख देना और एक पावर क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा डायरेक्ट, प्लीज जाके इंट्रोडक्शन वीडियो में देखिए कि इसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं अपॉन वाले का। चलिए आगे बढ़िए, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में माइनस फोर अपॉन में क्या हो गया टी स्क्वायर, बस इसको डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू भाई इसको टर्म को ऊपर रखना था और इसको कहाँ रखना था नीचे रखना था, तो फोर से फोर क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस का वन बाई टी स्क्वायर, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप लोगों के पास समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा तो प्लीज आप जाइए क्वेश्चन को क्या कर दीजिए भैया एक बार दोबारा इंट्रोडक्शन देखिए, फिर यहां तक अगर आप आए होंगे तो आई होप आपको इंट्रोडक्शन आपका क्लियर हो गया होगा, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, क्वेश्चन बाकी कुछ नहीं था कोई जान नहीं क्वेश्चन के अंदर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ, क्वेश्चन नंबर फाइव, चलिए भाई क्या लिखा है क्वेश्चन, एक्स इक्वल टू में कॉस थीटा माइनस का कॉस टू थीटा, ऐसे ही वाई इक्वल टू में क्या है साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा। चलिए भाई सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा माइनस इसका क्या होता है भाई माइनस का साइन थीटा माइनस का साइन टू थीटा, और टू थीटा का क्या हो जाएगा टू,
इसको अच्छे से लिख लेता हूं, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू में माइनस का साइन थीटा, और माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और क्या आ जाएगा टू साइन टू थीटा। ये आ गया हमारा ये इक्वेशन, ठीक है भाई। चलिए अब आगे बढ़ाते हैं, इसका इसका क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में साइन का क्या होता है कॉस थीटा, माइनस साइन का क्या होता है कॉस टू थीटा, इनटू में क्या आ गया टू। इसको अच्छे से लिख लेता हूं, तो डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में क्या हो जाएगा कॉस कॉस थीटा माइनस का क्या है टू कॉस टू थीटा। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर दो। अब दोनों को क्या कर दिया जाए, डिवाइड कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दो ये भाई दिस, तो क्या जाएगा dx dy by dx, क्या आएगा dy by dx आ जाएगा। चलिए भाई डिवाइड कर दीजिए, चलो भाई dy by dx यानी y वाला टर्म ऊपर रखो, क्या जाएगा cos थीटा माइनस का टू cos टू थीटा अपॉन में क्या आ गया माइनस का साइन थीटा और प्लस का टू साइन टू थीटा। बस यहीं तक हम कर देते हैं क्लोज, फिर हमारा हो गया खत्म क्वेश्चन, ठीक है। बस यहीं पे ही क्वेश्चन को क्या कर दो छोड़ दो, क्या जाएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। किसी को किसी प्रकार का डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिएगा, इसके ऊपर और भी काम किया जाएगा जिसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है सिक्स है। आइए पढ़ते हैं भाई, इसको उतारते हैं पहले, क्या है एक्स इक्वल टू में ए थीटा माइनस साइन थीटा। चलिए भाई अब दूसरा उतारता हूं यहां पे, क्या है वाई इक्वल टू में ए वन प्लस कॉस थीटा। आइए इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू में ए तो कॉन्स्टेंट है छोड़ दीजिए, इसका डेरिवेटिव कीजिए, थीटा का क्या हो जाएगा वन, जैसे एक्स का वन होता है तो यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट करो तो थीटा का भी क्या आ जाएगा वन, माइनस में साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा होता है। तो बस यहाँ पे इसको ऐसे मैंने लिख दिया, और ये क्या बन गया हमारा पहला। ऐसे इसका कीजिए डी वाई बाई डी थीटा, ये हमारा क्या हो गया कॉन्स्टेंट, वन का क्या हो जाता है जीरो, और कॉस का क्या होता है माइनस का साइन थीटा। ये क्या बन गया हमारा दूसरा इक्वेशन, बोलिए दोनों क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए, तो डिवाइड कर लेता हूं डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स हमें बताना है, तो थीटा से थीटा कट जाएगा ये वाला, ऊपर क्या है ये वाला माइनस का ए साइन थीटा, माइनस बाहर लिख लो माइनस का ए साइन थीटा अपॉन में ये क्या है ए वन माइनस कॉस थीटा, ए से ये क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ गया साइन थीटा माइनस का अपॉन में क्या हो जाएगा वन माइनस कॉस थीटा, ठीक है भाई। अब चाहेंगे तो इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, यहीं तक क्या कर दीजिए छोड़ दिए, क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ाते हैं सिस्टम को, चाहेंगे तो इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं साइन थीटा का, ठीक है, क्या होता है टू कॉस थीटा बाई टू, इसको और भी आगे अगर बढ़ाना है तो आप लोग बढ़ा सकते हैं। कैसे लिख सकता हूं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला, जैसे साइन टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो ऐसे ही एंगल का हाफ कर दिया साइन थीटा का, क्या होगा टू साइन थीटा बाई टू और कॉस थीटा बाई क्या हो जाता है टू हो जाता है। फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं साइन टू थीटा का फॉर्मूला, टू साइन थीटा और कॉस थीटा, एंगल का हाफ हम कर रहे हैं तो इस एंगल का भी क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा, फॉर्मूला बन के आ गया यहां पे, फॉर्मूला दिस यूज हो रहा है, ठीक है। और अपॉन में क्या था वन माइनस कॉस थीटा किसका होता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू को होता है, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसल आउट, और एक साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा कॉस वाई साइन क्या होता है कॉट थीटा बाई टू, लेकिन यहां पे क्या था नेगेटिव था, तो हमारा नेगेटिव के साथ आंसर, ठीक है। यहां तक भी छोड़ सकते हैं, बाकी यहां तक भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए भाई अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है अब हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। चलो भाई जो क्वेश्चन नंबर सेवन है वो क्या रहने वाला है भाई इंपोर्टेंट रहने वाला है, ये इंपोर्टेंट है फिक्स है आता है पेपर में,
ये पेपर में थोड़ा लंबा भी जाता है, तो प्लीज प्यार से और शांति से इस क्वेश्चन को क्या करता है, सॉल्व करने की कोशिश करता है। कॉपी पेन निकाल लीजिए और प्लीज इस क्वेश्चन पे सारा कंसंट्रेशन लगा दीजिए, क्योंकि थोड़ा सा बच्चों को क्या लगता है, क्वेश्चन अजीब सा लगता है, तो आइए उस अजीब को क्या करते हैं, दूर करने की कोशिश करते हैं। तो पहले मैं फर्स्ट हाफ की बात करता हूं, केवल इतने टर्म्स की एक्स वाले वैल्यू का, इसको हम सॉल्व करते हैं। आइए भाई, क्या है क्वेश्चन गिवन कि एक्स इज इक्वल टू में साइन क्यू टी अपॉन में रूट में क्या है कॉस टू टी, ठीक है क्वेश्चन लिख दिया। जैसे जैसे मैं इसको सोल्यूशन करूंगा सेम टू सेम इस वाले को भी ऐसे ही क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अगर हम एक पार्ट इसका देख लेते तो ये भी क्या हो जाएगा, आसान और इजी हो जाएगा, फिर दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। तो डी एक्स अपॉन में किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी टी के रिस्पेक्ट में। तो चलिए भाई कैसे करते हैं, नीचे वाला ऐसे ही, ठीक है नीचे वाला ऐसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव मैंने मस्त ऐसे लिख दिया, माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव, ठीक है अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक है। तो डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू में, ये तो ऐसे ही रहेगा, चलिए इसका कहां जाएगा पावर आगे और एक पावर क्या हो जाएगा कम, तो थ्री साइन स्क्वायर टी और इनटू में इस साइन का क्या हो जाएगा कॉस टी, ये आ गया हमारा इसका डेरिवेटिव इस वाले टर्म का। चलिए माइनस में ये चीज ऐसे ही रहेगा साइन क्यूब टी इनटू में इसका डेरिवेटिव, तो रूट का डेरिवेटिव क्या होता है वन अपॉन में टू रूट में पूरा का पूरा ऐसे ही, चलिए और इसका डेरिवेटिव क्या होता है कॉस का माइनस का साइन टू टी इंटू में क्या आने वाला है टू, ठीक है यहां तक बात समझ में आ रहा है आप लोगों को। अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो क्या बचेगा कॉस टू टी। अब इसको बड़े प्यार से और अच्छे से लिख लेते हैं, डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू में, चलिए भाई क्या है रूट में कॉस टू टी, अरे थ्री आगे लिख देता हूं, और ये क्या है साइन स्क्वायर टी, और ये क्या है कॉस टी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इस टू से टू क्या हो जाएगा कैंसल आउट, क्या बचा साइन क्यूब टी, और क्या बचा साइन टू टी, साइन टू टी हो गया, और नीचे क्या बचा रूट में कॉस टू टी, और अपॉन में सबके क्या था ब्रह्मा का लकीर चल ही रहा साथ में कॉस टू टी, ठीक है यहां तक आपको बात क्या होगा क्लियर होगा। अब हम सिस्टम को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए, सिस्टम को हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, चलिए भाई आइए सिस्टम को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। कोई तो है जो फोन कर रहा भाई मुझे बार बार, चलो भाई कोई जरूरी कॉल तो नहीं आ रहा होगा, कोई नहीं देखते हैं अभी, पहले इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। यहां से यहां तक तो कैंसल आउट हो गया, आइए मतलब यहां तक तो सोल्व हो गया, मैं दोबारा से यहां पे dx अपॉन में क्या है dt, तो भाई चलिए देखते हैं इसका नीचे वन लगा के क्या ले लिया जाए एलसीएम ले लिया जाए, तो नीचे क्या हो जाएगा एलसीएम रूट में क्या है कॉस टू टी, रूट में कॉस टू टी। चलिए भाई अब क्या करेंगे इसका इसके साथ मल्टीप्लाई और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, यही तो होगा, तो क्या होगा इसके साथ, तो रूट से रूट कट जाएगा, देखिए पहले तो थ्री का थ्री, थ्री का थ्री, ठीक है थोड़ा इधर से लिखता हूं थ्री का थ्री, अब इससे ये मल्टीप्लाई होकर रूट से रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट, क्या बच जाएगा कॉस टू टी, कॉस टू टी, ठीक है और ये क्या था साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, और ये क्या है कॉस टी। चलिए अब ये क्या है प्लस, वन से मल्टीप्लाई करूंगा सेम यही चीज आएगा क्या साइन क्यूब टी, साइन क्यूब टी, ठीक है
साइन क्यूब टू, और साइन टू थीटा का क्या लिख देता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन टू थीटा का फॉर्मूला, साइन टू थीटा इसका मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ भाई, भाई लोग मैं इसका क्या लिख रहा हूँ, इस वाले टर्म का फॉर्मूला लिख रहा हूँ। इस टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, साइन टू थीटा का, साइन टू थीटा का, टू साइन थीटा कॉस थीटा, क्या होगा, टू साइन थीटा और ये कॉस थीटा आ गया हमारा फॉर्मूला। चलिए भाई अब सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं, और नीचे क्या था, नीचे क्या था, कॉस टू टी, सबसे नीचे क्या था, कॉस टू टी, ठीक है भाई। हमने क्या किया, नीचे वाले का एलसीएम लिया, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, और नीचे तो कॉस टू थीटा सबके डिवाइड में चल ही रहा है, तो क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी थीटा इक्वल टू, इसमें से कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन आएगा, साइन टी और कॉस टी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, थीटा के जगह में भाई लोग वो लेना था, क्या बोलते हैं, फ्लो फ्लो निकल गया टी, क्या लेना हमें, टी लेना है, ठीक है भाई। तो दोनों में साइन टी और कॉस टी क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो जरा देखिएगा कॉमन लेने पर क्या बचेगा, एक साइन चला गया और एक कॉस चला गया, तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, कॉमन लेने पर क्या बचेगा, तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, तीन का तीन, चलिए कॉस टू थीटा का कॉस टू थीटा, चलो भाई एक साइन चला गया, एक साइन बच गया और एक कॉस तो चला गया, खत्म कलम कहानी, चलो भाई प्लस में ये क्या बच जाएगा भैया, टू का टू बच गया और ये क्या बच गया, साइन बच गया, साइन क्यूब टी क्यूब, यहां से एक साइन और थीटा क्या हो गया, कॉमन आ गया, तो पूरा चीज क्या हो गया, चला गया, नीचे क्या बच गया, रूट में कॉस टू टी बच गया, और इसके नीचे वन लगाऊंगा तो उल्टा होके भी कहां आ जाएगा, नीचे ही आ जाएगा, तो कॉस टू टी आ गया, यानी क्या आ जाएगा, डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू में क्या हो गया, साइन टी कॉस टी। अब थोड़ा सा कहानी में डालते हैं ट्विस्ट, तीन का तीन और इस कॉस को अलग करते हैं, क्योंकि इन सब में कॉस ही क्या दिख रहा, अलग दिख रहा है, कॉस टू टी, इस कॉस टू टी का साइन के टर्म में फॉर्मूला लिखूंगा, तो क्या होता है, वन माइनस टू साइन स्क्वायर टी होता है हमारा फॉर्मूला, होता है ना कॉस टू टी का, क्या होता है भाई, वन माइनस साइन टू टी, कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस टू थीटा का वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो मैंने ये चीज यहां पर लिख दिया, इसके जगह में मैंने फॉर्मूला डाल दिया, प्लस में क्या था, टू साइन क्यूब टी था। चलिए नीचे क्या हो जाएगा, रूट का मतलब क्या होता है, कॉस टू टी, रूट का मतलब क्या होता है, पावर वन बाई टू कर देना, और यहाँ पे कॉस टू टी तो ऐसे ही चल रहा था, यानी डी एक्स अपॉन में डी टी इजक्वल टू में साइन टी कॉस टी, अंदर थ्री का मल्टीप्लाई, तो थ्री माइनस थ्री टू जा सिक्स साइन स्क्वायर टी, ठीक है भाई, प्लस में टू साइन क्यूब टी। चलिए भाई मैंने यहाँ पे एक साइन टी नहीं लिखा था भाई, साइन टी भी यहाँ पे लिखना पड़ेगा, छूट गया है, साइन टी भी था, तो यहाँ पे साइन टी का भी अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे देखिए साइन क्या हो गया था, साइन टी कॉस टी कॉमन लिया था, ठीक है, कॉमन हमने यहां से निकाले तो क्या बचेगा, तीन, और मैंने कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखा क्या, वन माइनस टू कॉस स्क्वायर टी, और साइन टी छूट गया तो साइन टी यहाँ पे लिख दिया मैंने, क्या रह जाएगा, साइन टी कॉस टी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, थ्री साइन टी का अंदर मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, थ्री साइन टी माइनस थ्री टू जा सिक्स साइन क्यू टी, और ये प्लस का क्या रह गया, टू साइन क्यू टी, बस अपॉन में क्या आ गया, ये पावर वन है और ये वन बाई टू है, तो कितना हो जाएगा, कॉस टू टी की पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू, जब बेस सेम हो तो पावर क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। चलिए भाई बस डी एक्स अपॉन में क्या आ गया, डी टी इक्वल टू में क्या आ गया, साइन टी कॉस टी, थ्री साइन टी, थ्री साइन टी माइनस सिक्स में से टू जाएगा, क्या बचेगा, फोर साइन क्यू टी। अब देखिए एक मस्त सा बेहतरीन सा क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है, मस्त सा और बेहतरीन सा फॉर्मूला बन रहा है, क्या बन रहा है, डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में साइन टी कॉस टी
अरे फॉर्मूला मस्त बन रहा है, 3 sin θ 4 cos θ 34 का फॉर्मूला है। इसका क्या बोलता है, निकल के आता है sin 3θ अपॉन में क्या आ गया cos 2θ 3/2। ये आ गया हमारा यहाँ तक पहला इक्वेशन क्या हुआ है, सॉल्व हुआ। दिख रहा होगा कितना लंबा चौड़ा जा रहा है, लेकिन क्या है, सारे फॉर्मूले का गेम है, ठीक है। ट्रिगो तभी होता है जब सारे फॉर्मूले क्या हो, याद होने चाहिए, बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगता है। बाकी तो अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं ना, तो चैप्टर बहुत ज्यादा तकलीफ देता है भाई ट्रिगो, ठीक है। तो आइए भाई आगे बढ़ते हैं। अब सेम कहानी इस वाले की भी करने की बारी आ चुकी है, सेम यही क्वेश्चन इसी को ऐसे इसके जैसा ही करेंगे। जिसको समझ नहीं आया एक बार दोबारा से वीडियो को रिमाइंड करिए, या इसको सॉल्व करवा रहा उसी के बेसिस पे इसको सॉल्व कर लीजिए, बात क्या है दोनों सेम है। तो आइए भाई इस क्वेश्चन को पहले मैं लिखता हूं, वाई इक्वल टू कॉस क्यू क्या था कि वाई इक्वल टू में क्वेश्चन लिख लेता हूं किसी और पेन से, इस पेन से लिख देता हूं क्या था, वाई इज इक्वल टू में कॉस क्यूब टी अपॉन में रूट में कॉस टू टी। एक बार क्वेश्चन में देख लेता हूं सही उतारा हूं कि नहीं, कॉस क्यूब टी रूट में कॉस टू टी, कॉस क्यूब टी बिल्कुल सही उतारा हूं। अब इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं जैसे मैंने ये वाला सारा किया, सेम टू सेम यही प्रोसीजर इस वाले के लिए भी सेम वही चलेगा, तो ध्यान लगा के देख लीजिए। आइए क्या लिखूंगा, dy/dt, ठीक है dy/dt क्या करूंगा, नीचे वाला ऐसे ही ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव चलिए भाई अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, ठीक। तो क्या हो जाएगा dy/dx इक्वल टू रूट में cos 2t। इसको तो ऐसे छोड़ देना, इसका क्या हो जाएगा 3 पावर आगे और 1 पावर क्या हो जाएगा कम, इनटू में इसका क्या हो जाएगा कॉस का माइनस का साइन एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए माइनस का माइनस, इसका तो ऐसे ही रखना है, ठीक है अच्छा ठीक। और इसका क्या होता है भाई 1/2 और रूट में पूरा चीज ऐसे ही, ठीक है। और इस कॉस 2t का डेरिवेटिव फिर से करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का साइन 2t और इस 2t का क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो इस 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसल आउट अपॉन में नीचे वाले का स्क्वायर, तो स्क्वायर से क्या हो गया कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा भाई, और नीचे वाले का क्या बच गया cos 2t बच गया, ठीक है भाई यहां तक। अब क्या किया जाए, तो dy/dx इक्वल टू में यहां से ये 2 से 2 क्या हो गया कैंसिल आउट, क्या हो गया ये माइनस, पहले माइनस लिखते हैं फिर ये क्या है 3 हो गया। चलिए रूट में ऐसे लिख लेता हूं क्या था cos 2t, और यहाँ पे क्या है cos²t, और यहाँ पे क्या है साइन एक्स नहीं टी है टी, ठीक है भाई। अरे माइनस, अरे माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये टी है भाई टी प्लस, क्या बच गया cos³t और क्या बच गया sin²t और अपॉन में क्या बच गया इसके रूट में cos²t और नीचे सबके क्या बच गया ब्रह्मा का लकीर तो चल ही रहा है, नीचे वाले को नहीं छेड़ना है। तो dy/dx इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसके नीचे क्या ले लिया जाए एलसीएम ले लिया जाए, इसको इधर भेज दिया मल्टीप्लाई कर दो भाई एलसीएम ले लो, क्या आएगा एलसीएम रूट में cos²t और ये नीचे वाला तो ऐसे चल ही रहा तो ये भी नीचे ही आएगा, नीचे वाला लगा के रेसिप्रोकल करूंगा तो बस क्या कर दिया जाए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए। तो इससे इसे करूंगा देखिए -3 का 3 और इसका रूट कट जाएगा क्या बचेगा cos²t और ये क्या था cos²t और ये क्या था sin²t प्लस में इसका क्या बचेगा cos³t। अब मैं धीरे से हल्का सा चेंजेस करने जा रहा हूं इस sin²t के जगह में, इसके जगह में क्या लिख सकता हूं याद करो
टू साइन टी कॉस टी, साइन टू थीटा का फॉर्मूला लिख दिया मैंने बस, और कुछ नहीं किया। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को अब आएगा मजा सॉल्व करने में। तो आइए भाई लिखते हैं यहां पे क्या था, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या है भाई, माइनस का साइन, पहले इन सब में से क्या कॉमन ले लो कि साइन थीटा साइन टी और कॉस टी क्या ले लिया जाए, कॉमन ले लिया जाए, साइन टी और कॉस टी क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं। चलिए भाई साइन टी कॉस टी कॉमन ले लो, साइन टी और कॉस टी कॉमन ले लेते हैं, साइन टी और एक कॉस टी क्या ले लो, कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, माइनस का माइनस थ्री, माइनस थ्री और ये क्या बच गया, कॉस टू टी, तो कॉस टू टी, ठीक है, और एक एक कॉस चला गया बाहर तो एक कॉस बच जाएगा, कॉस टी, कॉस टी। चलिए भाई ये तो चला गया, प्लस में क्या बच गया, दो और ये साइन टी कॉस टी चला गया, दो बच गया कॉस क्यू टी, तो दो कॉस क्यू टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये कॉस टू टी की पावर वन बाई टू और कॉस टू टी, ये रूट था तो इसका पावर क्या जाएगा, वन बाई टू और टू टी का टू टी, तो क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन टी कॉस टी। चलिए भाई अब मैं हल्का सा चेंजेस करता हूं, माइनस तीन का माइनस तीन लिखता हूं, अब क्या करता हूं कॉस टू टीटा का फॉर्मूला लिखता हूं। देखिए भाई माइनस का इसका कलर चेंज करते हैं थोड़ा, माइनस तीन और कॉस टी ऐसे ही रहने देता हूं, माइनस का कॉस टी और ये चीज ऐसे ही रह के, चलिए भाई क्या रह गया, माइनस का थ्री और ये क्या है कॉस टी, और इस कॉस टू टी के जगह में फॉर्मूला लिखता हूं, क्या होता है कॉस टू टी का फॉर्मूला, टू कॉस स्क्वायर टी माइनस वन, मैंने इसके जगह ये चीज फॉर्मूला लिख दिया, और क्या रह गया था प्लस में क्या रह गया था, टू कॉस क्यूब टी, ठीक है भाई, अपॉन में नीचे क्या आ जाएगा, कॉस टू टी की पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, ये वन बाई टू और ये वन पावर क्या है इसका, वन है तो कितना हो जाएगा, टोटल थ्री बाई टू हो जाएगा। बस क्वेश्चन अब आने वाले हैं अपने आंसर की तरफ, चलो भाई साइन टी और ये कॉस टी अंदर कर दो भाई इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, माइनस का थ्री टू जा सिक्स कॉस क्यू टी, ठीक है भाई थ्री टू जा सिक्स कॉस टू और ये प्लस का थ्री कॉस टी, चलिए भाई अरे क्या रह गया, प्लस का टू कॉस क्यू टी, और अपॉन में क्या था नीचे, कॉस टू टी की पावर थ्री बाई टू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन टी कॉस टी और ये क्या आ जाएगा, टू कॉस क्यूब टी, ठीक है, और ये क्या जाएगा माइनस का, सॉरी ये क्या बचा, ये क्या बच गया भाई, थ्री कॉस टी, इसका मैंने ऐसे लिख दिया, और इन दोनों का प्लस माइनस, माइनस क्या जाएगा, माइनस का फोर कॉस क्यूब टी, बस कहानी खत्म, और ये कॉस टू टी की पावर क्या हो जाएगा, थ्री बाई टू हो जाएगा, ठीक है, मैंने क्या किया, थ्री कॉस टी का थ्री कॉस टी लिखा है, सिक्स में से टू जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस का फोर कॉस क्यूब टी। चलिए भाई तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में ये क्या था साइन टी और ये क्या था कॉस टी, देखिए ये फॉर्मूला नहीं दिख रहा, अगर ये प्लस का होता अगर ये माइनस का होता तो फॉर्मूला हो जाता किसका कॉस थ्री टी का, लेकिन माइनस का दिक्कत हो तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का कॉस थ्री टी आ जाएगा, अपॉन में कॉस टू टी की पावर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू। अब इसको अच्छे से लिख देता हूं तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या हो जाएगा माइनस इधर ले लो और ये क्या आ गया साइन टी कॉस टी और ये क्या हो जाएगा कॉस थ्री टी अपॉन में कॉस टू टी की पावर क्या हो जाएगा थ्री बाई टू। ठीक है अब ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकेंड।
अब जो ये पहला वाला जो पहला इक्वेशन बनाया था जी, और ये जो मैंने दूसरा इक्वेशन बनाया है जी, इन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, डिवाइड, तो हमारा क्या जाएगा आंसर आ जाएगा। तो आइए इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं, हमें क्या निकालना है dy बाई dx निकालना है। तो y वाला टर्म को ऊपर रखना है, y वाला टर्म कौन सा है, ये रहा, माइनस का साइन t, माइनस का साइन t cos t और cos 3t अपॉन में cos 2t की पावर 3 बाई टू इंटू में वो वाला, अब ये वाला कहाँ रखना है, दूसरा ऊपर पहला वाला नीचे, तो ये क्या हो जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड करने जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली cos 2t की पावर 3 बाई टू अपॉन में नीचे क्या था sin t cos t और cos के जगह में sin 3t था। देख लो मैंने उस क्वेश्चन में यही लिखा हुआ है, ये रहा cos 2t, ये तो ऊपर आ जाएगा sin t cos t sin 3t, तो यही सेम चीज यहाँ पर मैंने लिखा है sin t cos t और sin 3t। इससे क्या हो जाएगा हैप्पी बर्थडे, sin t से sin t cos t से cos t, यानी क्या आ गया dy by dx is equal to minus का cos 3t अपॉन में क्या आ गया ये sin 3t। तो आप ही लोग जरा देख के बता दीजिए क्या आ गया, माइनस का कॉस बाई साइन क्या होता है कॉट थ्री टी। इस छोटे से के आंसर के लिए हमने देखिए कितना पेज भर दिया, लेकिन कुछ नहीं था, फॉर्मूला याद हो तो सब होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 था, इसीलिए क्या था इंपोर्टेंट, पहले तो हमने ये किया, फिर हमने इतना लंबा फिर एक बार और किया, देखिए दो पेज ये, एक पेज ये और एक पेज ये और लास्ट में एक पेज ये भी आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैंने पहले बोला था एक क्वेश्चन में बच्चे बहुत ज्यादा क्या होते हैं तकलीफ में रहते हैं, जिसको समझ में नहीं आया इस वीडियो को रिमाइंड कीजिए और दोबारा से क्या कीजिए कोशिश करिए करने का, उसके बाद अपना कॉपी पेन उठाइए दोबारा से उस क्वेश्चन को अपने आप से खुद से प्रैक्टिस करने का क्या करिए कोशिश कीजिए, जब तक करते रहिए जब तक क्वेश्चन आंसर आना जाए बिना देखे बिना किसी के मदद से, ठीक है। तो चलिए भाई अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, सेम वही प्रोसीजर अपनाते हैं, इस वाले को पहले लेते हैं, क्या है इसका डेरिवेटिव करता हूं पहले, चलो क्वेश्चन लिख देता हूं, क्या है हमारा x इज इक्वल टू में a cos t प्लस में log tan t बाई टू, चलिए y को हम बाद में देखेंगे, इसका निकालता हूं dx अपॉन में क्या dt, a तो कांस्टेंट है, चलिए cos t का क्या होता है माइनस का sin t प्लस में log t का, ये पूरे को t मान के चले तो log t का क्या होता है वन अपॉन में t, तो tan t बाई टू इंटू में इस tan का डेरिवेटिव क्या होता है sec स्क्वायर t बाई टू इंटू में t बाई टू का क्या हो जाएगा वन बाई टू आ जाएगा। देखिए कितना कहानी चल रहा, चैन रूल जिसको बोलते हैं, बस इसको सॉल्व करिए, तो dx अपॉन में dt इक्वल टू में a माइनस का sin t प्लस का वन बाई टेन क्या होता है cot t बाई टू, चलिए या इसको ऐसे लिख लीजिए ज्यादा आसान रहेगा, वन अपॉन में टेन का फॉर्मूला क्या होता है sin बाई cos, तो cos कहाँ जाएगा ऊपर हो जाएगा, ठीक है tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है sin थीटा बाई cos थीटा, तो ये tan sin थीटा नीचे लेकर जाओ तो कहाँ जाएगा cos थीटा, या वन बाई cot क्या होता है वन बाई टेन क्या होता है cot, और cot क्या होता है cos बाई sin होता है, और यहाँ पे sec है तो sec का क्या होता है वन अपॉन में cos स्क्वायर t बाई टू, और ये वन बाई टू तो था ही था इंटू में वन बाई टू बस, तो dx अपॉन में dt इक्वल टू में a, अरे क्या जाएगा माइनस का sin t प्लस का एक cos से एक cos क्या हो जाएगा कट जाएगा क्या बचेगा वन अपॉन में ये टू और ये sin t बाई टू और ये क्या बचा cos t बाई टू, तो कोई नजारा देखने को दिख रहा है क्या, जरा देखिए इसके अंदर कोई नजारा देखने को मिल रहा है, देखिए माइनस का साइन टी बस बस नजारा देखने को मिल रहा है भाई, क्या मिल रहा है कि ये साइन टू थीटा का फॉर्मूला है टू साइन थीटा कॉस थीटा, तो टू का कहा गया साइन टू थीटा, साइन टू और थीटा यहाँ पे क्या है टी बाई टू, थीटा यहाँ पे क्या है
टी बाई टू है, तो साइन टू थीटा, टू से टू क्या हो जाएगा कैंसल आउट, यानी डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में ए माइनस का साइन टी प्लस में वन बाई साइन टी, ये आ गया। अब इसके एलसीएम ले लेता हूं, हल्का सा एलसीएम लेते हैं भाई, तो डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में एलसीएम ले लेते हैं भाई इसका, कहानी क्या आएगा साइन टी, साइन टी ए भी चल रहा था कहानी में, ठीक है साइन टी, इसके नीचे वन लगा के एलसीएम, इधर क्या आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर, माइनस का साइन स्क्वायर टी, और प्लस का क्या आ गया वन, प्लस का वन, यानी कि डी एक्स अपॉन में डी टी इज इक्वल टू में ए और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन में क्या है साइन टी। चलिए इसको यहीं तक रोक दीजिए, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है बाद में और भी सॉल्व कर लेंगे। अब हम आते हैं दूसरे इक्वेशन पे, इस दूसरे इक्वेशन का इस पेन से लिख देता हूं, क्या है वाई इज इक्वल टू में ए साइन टी, ये रहा क्वेश्चन हमारा दूसरा, ठीक है अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, आइए क्या है तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी टी इक्वल टू में ए का ए साइन का क्या होता है कॉस टी, ये क्या बन गया इक्वेशन नंबर टू। अब दो को एक से क्या कर दीजिए डिवाइड, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, चलो ये टर्म ऊपर रखो ए कॉस टी डिवाइड बाई इसको, तो क्या है ए कॉस स्क्वायर टी अपॉन में साइन अपॉन में, तो कहाँ जाएगा ये ऊपर आ जाएगा, नीचे लिखूंगा अपॉन में साइन तो कहाँ जाएगा ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ए से ए और ए कॉस से ए कॉस, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन टी बाई कॉस टी, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू साइन बाई कॉस क्या होता है टेन टी, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप आपको ये पसंद जरूर आया होगा, छोटा सा क्वेश्चन है कुछ नहीं है इसमें। अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नाइन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर नाइन क्या कह रहा है एक्स इज इक्वल टू में क्या है ए सेक थीटा और वाई की वैल्यू क्या है, वाई की वैल्यू बी टेन थीटा, बस सॉल्व कर दीजिए, तो डी एक्स किसके रिस्पेक्ट में थीटा के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा एक कॉन्स्टेंट है सेक का क्या होता है सेक एक्स टेन एक्स, ठीक है भाई ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलिए ऐसे ही डी वाई बाई डी थीटा, चलिए भाई बी तो बी कॉन्स्टेंट टेन का क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या बन गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब क्या करूंगा सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर दूंगा डिवाइड, तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, चलिए भाई ये कहाँ रखना है ऊपर, तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में नीचे क्या हो जाएगा ए सेक थीटा और ये टेन थीटा, तो एक सेक से एक सेक क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में बी अपॉन में ए और ऊपर क्या बच जाएगा सेक थीटा और नीचे क्या बच जाएगा टेन थीटा। अब इसको चाहेंगे तो और भी चेंज करके लिख सकते हैं या तो यहीं पे छोड़ सकते हैं, तो इसको चेंज करके लिखता हूं, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में बी बाई ए, तो सेक है तो इसको सेक को क्या लिख सकता हूं वन अपॉन में कॉस, सेक को क्या लिख सकता हूं वन अपॉन में कॉस, और टेन को क्या लिख सकता हूं डिवाइड में है ना टेन, टेन को क्या लिख सकता हूं साइन वाई कॉस, तो साइन बाई कॉस कहां जाएगा ऊपर आ जाएगा, ठीक है देखिए सेक को वन बाई या उसको ऊपर टेन को ले जाए इसको ऐसे कर लीजिए अगर ऐसा समझ में नहीं आ रहा, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में बी बाई ए और sec थीटा और tan को क्या सकता वन बाई टेन क्या होता है cot थीटा होता है, अब तो हो जाएगा तो b बाई ए और sec का वन बाई cos और cos का क्या होता है cos बाई sin, तो cos से cos क्या हो जाएगा कट जाएगा, यानी dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में क्या आ जाएगा b बाई ए और ये क्या बच गया नीचे sin थीटा, तो ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया, ठीक है चलिए भाई अब क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम टेन की तरफ, कितने क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन है, हम आ गए अपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन के ऊपर, आते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 10, तो x इक्वल टू में क्या है a cos थीटा प्लस में थीटा sin थीटा, चलिए ऐसे इसको भी सॉल्व कर लेंगे, पहले इसको सॉल्व करते हैं, तो dx अपॉन में क्या हो जाएगा d थीटा इक्वल टू a तो कांस्टेंट, चलिए
कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है माइनस का साइन थीटा प्लस में, इनटू वाला रूल पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव, तो साइन का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन हो जाएगा, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा थीटा का डेरिवेटिव वन हो जाएगा। अब इसको अच्छे से और प्यार से लिख लेते हैं, तो डी एक्स अपॉन में डी थीटा इज इक्वल टू में ए, साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा कैंसल आउट, क्या बच गया थीटा कॉस थीटा बच गया, ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आइए दूसरा भी उतार लेते हैं, दूसरे क्वेश्चन को भी यहां पे उतार लेते हैं, क्या है y इज इक्वल टू में a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा है। अब इसको हम क्या करते हैं सॉल्व करते हैं, चलो भाई तो क्या हो जाएगा dy वाई बाई डी थीटा, ये तो कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, चलिए भाई माइनस, चलिए पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा, ठीक है ठीक है भाई, एक और लगाना पड़ेगा यार, कितना बड़ा ब्रैकेट लगाया, कितना लगाया जाए, चलिए ए का ए ब्रैकेट साइन थीटा का क्या होता है कॉस थीटा, माइनस का माइनस हम ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, पहला ऐसे ही दूसरे का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस का साइन थीटा प्लस में दूसरा ऐसे ही पहले का डेरिवेटिव क्या हो गया वन हो गया, ठीक है भाई चलिए तो क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में ए कॉस थीटा माइनस, ये क्या हो जाएगा माइनस का थीटा साइन थीटा प्लस का कॉस थीटा, और क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में ए कॉस थीटा, अंदर माइनस मल्टीप्लाई तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, और ये प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा कॉस थीटा हो गया, ठीक है कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, क्या बचेगा डी वाई बाई डी थीटा इक्वल टू में ए ए थीटा साइन थीटा, ए थीटा साइन थीटा, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या हो गया सेकेंड, सेकेंड को फर्स्ट से क्या कर दीजिए डिवाइड कर दीजिए, यानी क्या आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, ये वाला टर्म ऊपर और पहला वाला टर्म नीचे, तो इसको ऊपर रखो क्या है ए थीटा साइन थीटा अपॉन में दूसरा वाला क्या है ए थीटा कॉस थीटा, ए से ए कट गया थीटा से थीटा कट गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में साइन वाई कॉस क्या हो गया साइन वाई कॉस टेन होता है, हमने लिख दिया टेन थीटा, ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है चलिए भाई हम अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर, तो आइए हम बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन नंबर 11। तो क्या है मैं पहले क्वेश्चन लिखता हूं, एक्स इज इक्वल टू ए रूट ए साइन इनवर्स टी, तब मैं हल्का सा वाई की मैं बाद में बात करूंगा, इस हल्का सा ना दोनों में चेंज करता हूं कि दोनों तरफ क्या कर देता हूं स्क्वायर, स्क्वायर करने से दोनों तरफ क्या होगा ऐसे दोनों तरफ क्या कर दिया जाए स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा ए साइन इनवर्स टी, करना कुछ नहीं है इससे हमें लास्ट में काम आएगा, कहां पे आएगा लास्ट में काम आएगा, हम इसी इक्वेशन से हम क्या करेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है इसका हमारा लास्ट में काम आना है, मैं बस बता दिया, बस मैं बता दिया हूं, मैं यहां पे क्वेश्चन को लिखता हूं एक्स इज इक्वल टू में रूट ए साइन इनवर्स टी, मैंने आपको बस हल्का सा चीज बता दिया हूं कि दोनों तरफ क्या करूंगा स्क्वायर करूंगा, ठीक है तो बात मैं साइड में यहां पे लिख देता हूं, तो एक्स स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर करने से क्या होगा फायदा क्या होगा हमारा भी देखना, क्या है ए साइन इनवर्स टी आएगा स्क्वायर करने से, ठीक है तो ये हमारे दिमाग में फिट होना चाहिए बात, स्क्वायर करूंगा दोनों तरफ तो रूट क्या हो जाएगा कट जाएगा, हमारे लास्ट में इसका कहीं यूज होना है भी, देखिए कैसे आइए इसको डेरिवेटिव करते हैं, तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी टी इक्वल टू में इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा वन बाई टू रूट में ए साइन इनवर्स टी,
ठीक है भाई, रूट का होता है 1/2 रूट का पूरा चीज ऐसे ही, इनटू में a की पावर x है, इसका क्या होता है a की पावर x ही रहता है लेकिन आगे क्या लग जाता है log a, ठीक है, a की पावर x का क्या होता है log a की पावर x और log a हो जाता है, इनटू में इस इनवर्स का करना पड़ेगा, तो साइन इनवर्स का क्या होता है 1/(1 − x²) कहां पे रूट में, बस इसको अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो dx/dt इक्वल टू में ऊपर क्या रह गया a साइन इनवर्स t, नीचे क्या रह गया और log a रह गया, ठीक है, ये पावर में है भाई, ये पावर में नीचे नहीं है, a साइन इनवर्स t और क्या है log a और ऊपर तो ही रह गया, नीचे क्या रह गया 2√ a साइन इनवर्स t और रूट में 1 − x², ठीक है सब बस, तो dx/dt इक्वल टू में क्या हो जाएगा, अब देखिए a साइन इनवर्स t, ये रहा a साइन इनवर्स t, इसकी वैल्यू क्या है x², देखिए ना इनको दोनों तरफ क्या कर दिया जाए स्क्वायर कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए स्क्वायर कर दिया जाए, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा कैंसल आउट, a साइन इनवर्स t का वैल्यू क्या हो जाएगा x², तो यही तो है a साइन इनवर्स, इसके जगह क्या लिख सकता हूं s² और ये क्या था log a था अपॉन में 2 और इसकी वैल्यू क्या है a साइन इनवर्स t की वैल्यू क्या था x था, क्या था x था, तो इसके जगह क्या लिख देता हूं x और नीचे क्या हो गया रूट में 1 − x², x x क्या हो जाएगा कैंसल आउट, बस आ गया हमारा dx/dt, क्या हो गया x log a अपॉन में 1 − x² और यहाँ पे क्या था 2 था, ये हमारा आ गया यहाँ, ठीक है इक्वेशन क्या बन गया पहला, अब ऐसे ही हमें किसको सॉल्व करना है दूसरे वाले को भी सॉल्व करना है, तो दोनों तरफ हम इसका भी स्क्वायर कर दूंगा तो क्या आएगा y² = में a cos इनवर्स t, अभी हमारा इसका भी यूज होना है इसीलिए मैंने वहां पे लिख दिया, पहले मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूं क्या है y = रूट में a और cos इनवर्स t, चलिए भाई इसको सॉल्व करते हैं क्या हो जाएगा dy/dt = में इसका डेरिवेटिव क्या होगा 1/2√ पूरा चीज ऐसे ही और cos इनवर्स और एक x का डेरिवेटिव क्या होता है सेम होता है a cos इनवर्स t ही रहेगा लेकिन इनटू में क्या आ जाएगा log a आ जाएगा इनटू में अब cos इनवर्स x का तो माइनस का 1/√ 1 − x² हो जाएगा तो क्या हो जाएगा dy/dx = में क्या बच गया ऊपर क्या बच गया भाई a का पावर cos इनवर्स t और log a बच गया और माइनस का बच गया अपॉन में क्या बच गया 2√ a cos इनवर्स t और रूट में 1 − x², ठीक है भाई यानी कि dy/dx = में −, अब इसके जगह में मैं क्या लिख सकता हूं ये चीज लिख सकता हूं ना y² तो क्या लिख दिया मैंने y² और ये क्या है log a अपॉन में 2 का 2 और इस पूरे के जगह में क्या लिख सकता हूं y इस पूरे के जगह क्या लिख दिया मैंने y और रूट में ऐसे चीज रहने देता हूं y से y क्या हो जाएगा एक कैंसिल आउट हो जाएगा क्या बचेगा dy/dx = में माइनस का वाई log a अपॉन में 2√ 1 − x², ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को क्या कर दिया जाए डिवाइड कर दिया जाए dy/dx निकाल दिया जाए तो dy/dx यानी इसको ऊपर रखा जाए तो माइनस का वाई log a अपॉन में क्या है 2√ 1 − x², ठीक है इनटू में रेसिप्रोकल किया जाएगा इस वाले का तो क्या था 2√ 1 − x² अपॉन में क्या था x log a था तो 2 से 2 इससे ये टर्म ठीक है
और log a से log a टर्म, तो क्या जाएगा dy वाई बाई डी एक्स इक्वल टू में माइनस का y अपॉन में क्या आ गया x, ये क्या आ गया हमारा आंसर आ गया y dy वाई डी एक्स इक्वल टू माइनस y बाई एक्स हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भाई सबको टाटा बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद जय भारत।